बचपन में स्कूल की एक कहानी में पढ़ा था। गर्मी की छुट्टियां थी, एक नानी का घर जो नदी किनारे था, जहां नाव से जाना पड़ता। नारियल के सुंदर पेड़ थे। केरल की इस गांव में नदी नहीं पर बैकवाटर्स है, नानी नहीं पर हमारे होस्ट की पैरिस ही माँ है। उसी बचपन की कहानी का रूप हमने केरल की एक गाँव में जिया है। हेलो, मैं कोमल। केरला ट्रिप का हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग गए थे कोची से मुन्नार, मुन्नार से कोटियम, और कोटियम से बोट का सुंदर सफ़र करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं एलेपी। एलेपी में हम सुबह सुबह समंदर किनारे चले गए। बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे। समंदर की लहरें जोर जोर से किनारे से टकरा रही थी। कितना अजीब है कि समंदर इतना अशांत होता है, फिर भी हमें उसके पास आकर शांति मिलती है। हम यहाँ के आसपास के गांवों में घूमना चाहते थे। गूगल से पता चला कि यहाँ पास में ही एक गांव है, कुटानाड, जो अपने चावल की खेती के लिए फेमस है, इसलिए इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और एक अमेजिंग बात पता चली, भारत की सबसे गहराई पर बसी जगह भी कुटानाड है। तो ये सब एक्साइटिंग बातें पढ़कर हम एक स्कूटी लेकर निकल जाते हैं कुटानाड। स्कूटी से जाते समय यहाँ के रास्ते में कोई नजर नहीं आ रहा था, इसलिए डर लग रहा था कि हम कहीं किसी अलग जगह तो नहीं आए और यहाँ फंस न जाए। कुटानाड में यहाँ वहाँ से होकर गुजरने वाले कैनाल से, उसमें कमल के फूल हैं, उसके किनारे पर बसने वाले घर हर तरफ से ऊंचे नारियल पेड़ से घिरे होते हैं जो हवाओं में झूमते रहते हैं। यहाँ आवाज़ करते बत्तखें अपने बच्चों के साथ पानी में घूमते दिख रहे हैं। ये सारी सुंदर दृश्यों को देख के घबराहट थोड़ी कम हो गई। हम यहाँ देखने आए थे चावल के हरे भरे खेत, पर यहाँ आकर पता चला कि इस सीजन की फसल की कटाई हो चुकी है। फिर हम वही पास में हार्वेस्टिंग का काम चल रहा था, वहाँ आकर रुक गए। चावल के खेत में सब तरफ बगुले ही बगुले हैं। ये बगुले भी बड़े ही मस्तिकोर हैं। एक तरफ चावल के बड़े बड़े ढेर लगे हैं, पर उनको वहाँ से चावल के दाने खाने में मज़ा नहीं आ रहा। जैसे ही मशीन आती है, ये सब उसके तरफ भागते हैं। ये जानबूझकर मशीन के इर्द गिर्द भटक रहे हैं। मशीन के गिरने वाले दानों को इन बगुलों ने शॉवर समझ रखा है, उसके नीचे जाकर नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये सब देखना थोड़ी देर के लिए ही सही धूप को भुला देने वाला था। ट्रैवलिंग करना इतना आसान नहीं जितना वीडियो के सुंदर दृश्यों को देख के लगता है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा थकावट होती है। बैकपैक लेके बस से यहाँ वहाँ घूमने से पूरा शरीर दर्द करने लगा था। अब मैं किसी जगह पर आराम करने के लिए जाना चाह रही थी, इसलिए फिर से हमने बस्ता उठाया, बस की टिकट कटाई और हम लोग पहुंच गए कोदामथुरुत। यहाँ के घर का आंगन ही पानी है। घर तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। आंगन में ही नावें बांधी रहती है। शाम के समय देर तक पानी के लहरों की तरफ देखते बैठे रहो, नावें आती जाती रहती है। घर के इर्द गिर्द फूल ही फूल है। पानी में नाव, घरों, पेड़ों और उड़ते पंछी के प्रतिबिंब दिखते हैं। रात में इनके प्रतिबिंब और ज़्यादा गहन हो जाते हैं। ऐसा लगता है आंगन में बांधी नाव लेके इस रात के खूबसूरत सफ़र के लिए चली जाऊँ। दूसरे दिन सुबह हमारा होस्ट बीनू की नाव में हम बैकवाटर्स से उनका गांव देखने निकलते हैं, जो हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। बीनू अपने गांव के बारे में हमें जानकारी दे रहा था। किसी गांव की सुबह एक नाव में बैठकर पहली बार हम अनुभव कर रहे थे। इस खूबसूरत नाव के सफ़र में मन में भरी भारी चीज़ें
पीछे छूटने वाले पानी के साथ छूटती जा रही थी और आगे बढ़ते धीमे पानी के साथ मैं अपने मन को हल्का महसूस कर रही थी, मानो जैसे मन पानी के लहरों पर लहरा रहा हो। नाव में से दिखते दृश्यों को देख के बीनू से कहा कि ये सब कुंबल की नाइट्स फिल्म की तरह दिख रहा है, जो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। और उसने बताया कि हम लोग अभी जिस जगह जाने वाले हैं वहाँ पर उसी फिल्म की शूटिंग हुई है। ये वही घर है जहाँ पे फिल्म के तीनों भाई रहते थे। इतनी सुंदर सी जगह पर यह वीरान सा घर देखकर थोड़ा मायूस सा तो फील हो ही रहा था। उसके बाद नाव से गुजरने वाले सुंदर दृश्यों में खोते हुए हम नाव से एक जगह पहुंच गए जहाँ पे नाव ही बनाते हैं। हम वहाँ पर नाव बनाने का प्रोसेस समझने लगे, वहाँ के लोगों को काम करते देखने लगे। इधर का लोकल शॉप है, कोई ऑर्डर दे देगा, ये लोग उस साइज में बनाएगा। ये नारियल का कितना इम्पोर्टेंट काम नाव बनाने में भी होता है। कायर बोलता है, स्टिचिंग के लिए ना ये फाइबर यूज करता है, कोकोनट का। देख सकता है आपको ये डस्ट है ना, ये डस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पानी में जाता है, ये बहुत पानी खींचेगा, उस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसका वजह से दो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक नई नवेली नाव बनके वहाँ पे तैयार थी और पहली बार ही उसे बड़ी मेहनत और सावधानी से पानी में उतारा गया और आगे की अनगणित सफर के लिए ये नाव तैयार है। इसके बाद उस गांव की गलियों में हम ऐसे ही घूम रहे थे। बीनू बड़ी ही एक्साइटमेंट से अपने गांव के बारे में बता रहा था। हमारे सवाल और जवाबों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। सब कुछ कितना सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था। नारियल और उससे बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल अपने देश के घर में अलग अलग तरह से किया जाता है। पहली बार नारियल से ज्वेलरी भी बनती है ये देखने का मौका मिला। बड़ी ही बारीकी और कला से इन्हें बनाया गया है। नारियल से भी ये बन सकता है, ये कोई आर्टिस्ट ही सोच सकता है। केरल नाम आते ही एक और चीज़ याद आती है, वो है तोड़ी। ये पैर से कैसे निकालते हैं, इसकी टेस्ट कैसी होती है, इसके बारे में हमें जानना था। और नाव से जाते जाते लकीली हमें एक आदमी तोड़ी निकालते दिख गया। उनसे बात करके पता चला कि उन्होंने अभी अभी काम शुरू किया है। तोड़ी निकालने वालों को पूरी तरह से पेड़ की नोक पर चढ़ने की ज़रूरत होती है। उनके कमर के चारों ओर उनके चाकू और बाकी के औजार बंधे होते हैं। सो ये तोड़ी का कटिंग प्रोसेस है, तो मलयालम इसको कल बोलेगा। ऊपर जाके घड़े को फूल से बांधना, नारियल के पत्तों को काटना और ये सब करते हुए नीचे ना गिरे ये संभालना। Morning and evening. So someone do the in between afternoon also. But normally 2 times. अभी 9 बजे फिर इवनिंग 6 बजे। पेड़ से इतनी ऊंचाई पे जाकर ये सब काम करना कितना जोखिम भरा भी है। एक पेड़ से कभी कभी 2 से 5 लीटर तक रस निकाला जाता है, ये नॉन अल्कलिक होता है। बाद में इसे फर्मेंटेशन करके इससे तोड़ी बनाई जाती है। उसके साथ थोड़ी शो में आप लोगों को बॉइल्ड कप्पा फिश मछली करी, ये कॉम्बिनेशन करी भी बहुत स्पाइसी रहता है। अब इतना बिल्डअप देने के बाद खुद को कोई कैसे रोक सकता है। हमने स्कूटी उठाई और निकल गए तोड़ी के दुकान की तरफ। ये दुकान भी बहुत खूबसूरत जगह पे था। एक फ्लोटिंग ब्रिज के ऊपर चलते हुए हम उस दुकान पे पहुंच गए। ये फ्रेश तोड़ी है क्या? ये फ्रेश तोड़ी। वहाँ का खाना काफ़ी ठंडा था, पर दिन भर की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि उसका एहसास ही नहीं हुआ और ये एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार रहा। इस गांव में रुकना बचपन की वो नानी की कहानी जीने जैसा था। इस दौरान मेरा दोस्त काफ़ी बीमार पड़ गया था। बीनू उसे अपने गाड़ी से अस्पताल लेके गया, वहाँ पर भी भाग दौड़ करके उसकी मदद की। बीनू की माँ मेरे दोस्त के लिए आयुर्वेदिक स्टीम बनाती थी, उसका ख्याल अपने बेटे जैसा ही रखती थी। वहाँ से निकलते समय उन्होंने हमें अपने गले लगाया। उन्हें इंग्लिश या हिंदी नहीं आती थी,
इसलिए वो हमारी बातों को समझ नहीं पाती थी। कितना अद्भुत है ये कि एक दूसरे की भाषा समझे बिना एक दूसरे के साथ में इतना लगाव बन जाना। बीनू, उनकी माँ, उनकी ये जगह से एक नाता जुड़ गया था और वहाँ से निकलते हमारे पैर भारी होते जा रहे थे।